नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 102, 103 प्रश्न पत्र अभ्यास संख्या 2 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा, जिसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट और दूसरी गति 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात की है। ऐसी बात नहीं है कि इस पक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस बिल में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लकड़ी को अगर जलाने के काम में लाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय हानि होती है। कुछ समय पहले निकला था कि हिमालय के जंगलों में आग लग गई थी। राजस्थान के हमारे साथी तो जानते ही है कि वहाँ रेगिस्तान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से वन अब तक समाप्त हो गए हैं। पैराग्राफ चेंज। वन राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, इससे इनकार नहीं करते हैं। अभी बताया गया है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। जो अच्छे वन हैं वे केवल 10% भूमि पर ही है। हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कैसे हम वनों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे वनों का विस्तार कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं, आपको मालूम है कि वन न रहने से क्या क्या हानि हो रही है। औद्योगिक लकड़ी और जलाने की लकड़ी की कमी तो है ही। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वर्षा नहीं होती है, जो बड़ी भारी समस्या देश के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस बिल की मंशा के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए। लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है और वन कट रहे हैं, उससे कुछ समय बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि लकड़ी नहीं मिल पाएगी। हम अमेरिका से पेड़ लाकर लगा रहे हैं। उनको लगाने का आधार है कि वे वहाँ जल्दी लग जाता है तो यहाँ भी जल्दी लगेंगे। यह भी कहा गया है कि इससे कागज उत्पादन में सहायता मिलेगी, लेकिन क्या उसका उपयोग हुआ है? क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि कितना कागज बना और कितनी जमीन की बर्बादी रुकी? साल का पेड़ 120 वर्ष में तैयार होता है। देश की जलवायु के अनुसार
जो पेड़ उपयुक्त हो वही लगाए जाए, न कि विदेशों की नकल करे। इससे देश का अधिक लाभ होगा। अंत में मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जंगलों को काटने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात की है। ऐसी बात नहीं है कि इस पक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस बिल में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लकड़ी को अगर जलाने के काम में लाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय हानि होती है। कुछ समय पहले निकला था कि हिमालय के जंगलों में आग लग गई थी। राजस्थान के हमारे साथी तो जानते ही है कि वहाँ रेगिस्तान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से वन अब तक समाप्त हो गए हैं। पैराग्राफ चेंज। वन राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, इससे इनकार नहीं करते हैं। अभी बताया गया है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। जो अच्छे वन हैं वे केवल 10% भूमि पर ही है। हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कैसे हम वनों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे वनों का विस्तार कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं, आपको मालूम है कि वन न रहने से क्या क्या हानि हो रही है। औद्योगिक लकड़ी और जलाने की लकड़ी की कमी तो है ही। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वर्षा नहीं होती है, जो बड़ी भारी समस्या देश के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस बिल की मंशा के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए। लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है और वन कट रहे हैं, उससे कुछ समय बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि लकड़ी नहीं मिल पाएगी। हम अमेरिका से पेड़ लाकर लगा रहे हैं। उनको लगाने का आधार है कि वे वहाँ जल्दी लग जाता है तो यहाँ भी जल्दी लगेंगे। यह भी कहा गया है कि इससे कागज उत्पादन में सहायता मिलेगी, लेकिन क्या उसका उपयोग हुआ है? क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि कितना कागज बना और कितनी जमीन की
बर्बादी रुकी। साल का पेड़ 120 वर्ष में तैयार होता है। देश की जलवायु के अनुसार जो पेड़ उपयुक्त हो वही लगाए जाए, ना कि विदेशों की नकल करे। इससे देश को अधिक लाभ होगा। अंत में मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जंगलों को काटने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।